नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलविज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुशांत सिंह केस के बारे में। मैंने आपको कल एक अपडेट दी थी कि सुशांत सिंह का केस बहुत आगे जा चुका है, सीबीआई इसमें एंटर हो चुकी है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जोरों शोरों से कर रही है, ईडी इसमें काम कर रही है और कहीं ना कहीं बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, वो भी इसके अंदर भरपूर काम कर रहा है। अब दो ड्रग डीलर्स को यहाँ पर पकड़ा गया है, एक है अब्दुल और दूसरे हैं जईद। अब्दुल की बात करें तो अब्दुल बसीत परिहार, इनके कनेक्शन थे सैमुअल मिरांडा के साथ, और सैमुअल मिरांडा के जो कनेक्शन थे वो थे शौविक चक्रवर्ती यानी कि रिया चक्रवर्ती के भाई के साथ, और साथ ही साथ जईद भी इन सभी के बीच जो थे इन्वॉल्व थे। तो अब्दुल और जईद को जो है अरेस्ट कर लिया गया है, ये लेटेस्ट अपडेट है। अब यहाँ पर जब इतनी बड़ी चेन बनी हुई थी, इतने बड़े ये कनेक्शन बने हुए थे, तो ऑफकोर्स ये बात है कि यहाँ पे ये अरेस्ट तो होने ही होने थे। अब अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे रिया चक्रवर्ती भी कहीं ना कहीं खुल के सामने आई। रिया चक्रवर्ती ने डिफेमेशन केस लगा दिया है सुशांत सिंह के फैमिली के खिलाफ। और वहीं अगर हम बात करें, सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती की जो फैमिली है उनको भी समन भेजा है, क्योंकि उनसे भी अब क्वेश्चनिंग होनी है, उनसे भी पूछताछ होनी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रिया चक्रवर्ती की फैमिली का भी कहीं ना कहीं इसके पीछे नाम आ रहा था, रिया चक्रवर्ती के फादर का भी नाम आ रहा था। तो इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी भी क्वेश्चनिंग होनी है, उनसे भी पूछताछ होनी है कि क्या सच है और क्या बातें चल रही है। वेल, यही कहूँगा कि ये केस बहुत आगे जा रहा है, बहुत स्पीड से आगे जा रहा है। फैमिलीज़ अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती ने जो है डिफॉर्मेशन केस लगा दिया सुशांत सिंह के फैमिली के खिलाफ, और सीबीआई ने कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की फैमिली को समन भेजा है और उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी है, और दो ड्रग्स डीलर को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है। बोला आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।